तो वो क्या बात करते हैं जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं, तो किस चीज पे बात करते हैं? नहीं, नहीं, इस्लाम समझने पे बात करते हैं या कोई चीज क्यूरियोसिटी होती है कि समझा जाए? नहीं, उन्होंने मुझे एक चीज पूछी जो ऑफ द दिस ऑन द शो तो मैंने बात किया, ऑफ द शो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर एक मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है क्या इंपॉर्टेंट है दाढ़ी रखना, कि दाढ़ी रखने से नहीं मुसलमान फिर मुसलमान? तो मैं बोला डिपेंड, आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आपको एक एग्जामिनेशन में पास होना है वो अलग बात है, एक होता है कि आपको सेकेंड क्लास आना, एक फर्स्ट क्लास, एक डिस्टिंक्शन। सब अमान में से तो सलाह सबसे इम्पोर्टेंट है दाढ़ी ने, वो दाढ़ी भी इम्पोर्टेंट है, चारों हदीस में लिखा है। तो दाढ़ी नहीं रखे तो आप फेल है, जहन्नम में जाएंगे ऐसा का नहीं, क्योंकि वो मेजर सिन नहीं है। लेकिन अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 95 के ऊपर तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। बोले अरे वाह वाह क्या जवाब है। तो मैं बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू ऑल द फोर स्कूल्स ऑफ थॉट इट इज कंपल्सरी, बट नए रखे तो ऐसा नहीं कि आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जितना चांसेस चाहते हैं कि जितने ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। जी जी। तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम के हिसाब से फ़र्ज़ है, लेकिन नए रखने से जहन्नम कंपल्सरी नहीं है। तो वो उसका समझ है। हाँ, तो बोला ठीक है, इसके पॉइंट्स मिलने पर डिपेंड होता है। हाँ, क्या शिर्क है? मतलब शिर्क नंबर वन शिर्क। तो उस बात पे काफ़ी गुफ्तगु हुई, समझे ना? और यू कैन कम टू माई हाउस एंड गेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे मौके कई मिलते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से चाहे बात करने मिले या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों की इन्फ्लुएंस है नीचे तक है। अगर कोई चीज़ अमल शाहरुख खान करेगा और आपकी वजह से करेगा, आपको तो यकीनन इस चीज़ का अल्लाह सवाब देगा, लेकिन शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस इतनी है कि लोग भी करेंगे नीचे।